हम सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हर किसी को अपनी बात सामने रखने का अधिकार संविधान ने दे रखा है। जहरीली शराब, 33 घंटे, 9 डॉक्टर, 90 लाशों का पोस्टमार्टम। ऐसा लगता है कि मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पुनः, हर किसी को अपनी बात सामने रखने का अधिकार संविधान ने दिया है। प्रत्येक व्यक्ति को टीका करने का अधिकार है, जिसके कारण कल हमारी सरकार आई तो भी पालेकर इनकी टिप्पणी करने का अधिकार है। ऐसे कहते हुए सुप्रिया सुले इन्होंने अमोल पालेकर इनके साथ रहने का कहा है। बारामती लोकसभा मतदार संघ में विद्यार्थियों को साइकिल वितरित करने में आई। इस कार्यक्रम के बाद वह पत्रकारों से बात कर रही थी। सुले इन्होंने कहा, पालेकर रहे या फिर कोई और, हर किसी को अपना मत व्यक्त करने का अधिकार संविधान ने दिया है। उन्हें टीका टिप्पणी करने का अधिकार बिल्कुल दिया नहीं है, जिसके कारण पालेकर के पीछे मैं खड़ी हूँ। मुंबई में शनिवार को एक कार्यक्रम में पालेकर इनको विचित्र परिस्थिति का सामना करना पड़ा था। उन्होंने अपने भाषण में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के एक निर्णय के विरोध में अपनी भूमिका रखी थी। उस समय कार्यक्रम के मॉडरेटर ने अपना मत व्यक्त करने से रोका। इससे पहले भी कई बार रोका है और भाषण भी जल्द ही समाप्त करने को कहा। सहारनपुर जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर एस के वार्ष्णेय टूथब्रश कर रहे थे। EMO डॉक्टर कुणाल जैन का फोन आया, बोले सर जल्दी अस्पताल आ जाइए, SSP भी आए हैं, यहाँ कोई शराब कांड हो गया है। तुरंत ही ट्रैक सूट पहने डॉक्टर वार्ष्णेय अस्पताल पहुंच गए। देखा तो अस्पताल का मंजर भयानक था। हर तरफ लाशें और बीमार पड़े थे। पूरे अस्पताल में इमरजेंसी घोषित स्टाफ की छुट्टी कर दी। डॉक्टरों की टीम बीमारों के इलाज और मृतकों के पोस्टमार्टम में जुट गई। डॉक्टर इनके वार्ष्णेय बताते हैं, हम जैसे ही यहाँ देखा कि शराब कांड के पीड़ितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, तुरंत अस्पताल के सभी 32 डॉक्टरों को बुला लिया है और उपचार में जुट गए। चंद घंटों में मरने वाले की संख्या 20 के पार हो चुकी थी। सरहानपुर, शामली और मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल के कुछ 6 डॉक्टर 3 शिफ्टों में पोस्टमार्टम प्रक्रिया में लगाए गए। 8 फरवरी की रात 1 बजे तक 23 लाशों को खोलने और सिलने के बाद स्वीपर सुशील बेहोश हो गया। तुरंत ही दूसरा स्वीपर बुलाया गया। ऐसा लगता है कि मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि पाकिस्तान के हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर जोरदार हमला बोला है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली स्थित आंध्र प्रदेश भवन के एक दिवसीय भूख हड़ताल के दौरान CM केजरीवाल ने PM मोदी को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करार दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम प्रधानमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि वह BJP के प्रधानमंत्री नहीं है, वो इस देश के प्रधानमंत्री है। जिस तरह से PM विपक्षी राज्यों की सरकारों के साथ व्यवहार करते हैं, उस तरह से लगता है कि देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।